हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 11 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप ना अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को आप ना तीन तरीकों से आप बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज़ कर लीजिए, उससे आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करिए, क्लाउड ऐप का यूज़ करिए, जैसे कि एयरटेल क्लाउड, जियो क्लाउड, ऐसे बहुत सारे क्लाउड ऐप आते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल होते हैं, तो वो स्टोरेज होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में से है ना फालतू का डेटा आप हटा दीजिए, तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्टोरेज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीसरे तरीके से, यानी कि फालतू का डेटा आप अपने मोबाइल फोन से हटा के आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं, इन सभी ऐप्स को आपको रीसेट कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए किसी भी ऐप को आपको उंगली से दबा के रखना है, तो एक छोटा सा पेज ओपन हो जाता है, इसमें आपको है ना ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सर्कल में आई बटन बना होता है, इसे टैप करना है। तो ये सॉरी गलती से दूसरा ऑप्शन टैप हो गया, तो मैं ऐप इन्फो पे टैप करूंगा, तो ये वाला पेज आपका ओपन होगा, इसमें आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है। तो यहां पर आपको ना इसी तरीके से सारे ऐप्स को रीसेट कर देना है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों आपको अगला काम करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, जिन्हें आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, उन सबको जो है अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। अब मैं अनइंस्टॉल करने के लिए क्यों कह रहा हूं, देखिए आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स होते हैं ना, ये आपके मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको फालतू के ऐप्स हटा देने, जिससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक प्रोसेस और करना है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करना है। आप अपने मोबाइल फोन की गैलरी में से ना फालतू की फोटो, वीडियो, जो भी आपका डेटा है फालतू का, वो आपको डिलीट कर देना है। खास करके आपकी लॉन्ग वीडियोज जो आपने सेव करके रख रखी है, वो लॉन्ग वीडियोस आपको जरूर डिलीट करनी है, ठीक है ना। तो इन तरीकों से भी आपका जो है मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों आपको अगला का प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ना काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके जो है ना आपके मोबाइल फ़ोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, ऑटोमेटिक रन करते रहते हैं, उन सभी ऐप्स को आपको ना स्टॉप करना है। कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है स्पेशल ऐप एक्सेस का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको सिर्फ वही ऐप दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। तो इन सभी ऐप्स को आपको एक एक करके स्टॉप करना है। कैसे करेंगे, कोई भी ऐप आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पावर यूजेस का ऑप्शन मिलेगा। रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है, तो ब्लू टिक मार्क लग जाएगा, तो इस तरीके से ये ऐप स्टॉप हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक रन नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी ऐप्स को भी स्टॉप कर देना है, ठीक है ना। इससे होता क्या है ना, ये आपके ऐप होते हैं ना, ये आपके मोबाइल फोन की बैटरी, डेटा, बहुत सी चीजें और भी कंज्यूम करते रहते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो भर जाता है। तो आपका जो है ना इस तरीके से आप इन्हें स्टॉप कर दीजिए, तो आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। रीसेट कैसे करना है, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको ना रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी सिर्फ काम का डेटा जो है ना, जो आपके काम का है, वो आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में पहले ट्रांसफर करना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जो जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड है, वो भी आपको पहले से लिख के रख लेना है, ठीक है ना। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले। तो ये जितने प्रोसेस मैंने आपको बता दिए, सारे आप फॉलो कीजिए, तो आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगा।